Good morning, students. Welcome to online classes. We have started all classes English grammar. बच्चों मैं आपको ग्रामर में आपको बहुत सरल तरीका ताकि आप इंग्लिश और शब्दों को सीख सकें और जो डेली उपयोग में आने वाले शब्द हैं आज उनको पढ़ाना चाहती हूँ. तो बच्चों आप अच्छे से सीखें समझें ठीक. तो चलते हैं. लिस्ट ऑफ फ्रेज इन हिंदी एंड इंग्लिश. मैं शब्द पढ़ते सुना रही हूँ आपको बहुत इजी वे में. आपको भी लेना है और सुनना है और शब्दों को लिखना ठीक है. चलिए अपनी नोटबुक निकालिए और लिखते जाइए. पहला फर्स्ट है JUST जस्ट COMING कमिंग. जस्ट कमिंग यानी मैं अभी आ रहा. सेकेंड VERY वेरी. WELL वेरी वेल यानी बहुत अच्छा. FINE फाइन या VERY वेरी गुड यानी अच्छी बात है. नेक्स्ट ASSYOUU लिख एज यू प्लीज यानी जैसी आपकी इच्छा. नेक्स्ट ANYTHING एनीथिंग एल्स यानी और कुछ. THETS दैट्स. एस के पहले एक कॉमा भी लगाया है ठीक. इनफ यानी बस कहने दो. THANKS थैंक्स फॉर दिस ऑनर इस सम्मान के लिए धन्यवाद. ओके यानी अच्छी. WHY why नॉट. why का अर्थ होता है क्यों. नॉट का मतलब होता है नहीं क्यों नहीं. NOT नॉट अ बिट थोड़ा सा भी नहीं. टेक केयर यानी ध्यान रखना. सी यू टुमारो यानी टुमारो का मतलब होता है कल. कल मिलेंगे. यस यानी हाँ. बाय ऑल मींस जरूर. That is too much बहुत है. Yes sir हाँ sir या yes ma'am हाँ ma'am. No not at all नहीं कभी. Never mind doesn't matter कोई बात नहीं. Nothing else और कुछ नहीं. Nothing special कोई खास नहीं. Welcome यानी आइए स्वागत है आपका. ठीक है बच्चों आपने सुना. शॉर्ट इंग्लिश सेंटेंसेस जो छोटे शब्द हैं उनको आपको बताना चाहती हूँ. आई सी यानी मैं समझ लू. फिर आई एम सिंगल. आई थिंक सो. आई क्विट. आई एम लॉस. आई एम होम. आई प्रॉमिस. आई डिक्लाइन. डिक्लाइन मतलब मना करना ठीक है. टाइम इज अप. Let's go. So long. Have fun. So do I. How much? How many? कितना? कितने? कितने बजे हैं? या कितने के हैं? After you. आपके बाद. You first. पहले आप. My treat. Good luck. यानी सौभाग्य. Follow me. And forget it. रहने भी दो. ठीक? ये छोटे-छोटे शब्द हैं. इनको आपको भली भांति समझना है. और लिखना है अपनी नोटबुक में ठीक. इसी प्रकार इंग्लिश टू हिंदी. इंग्लिश में लिखा है इसको आपको हिंदी में करना कन्वर्ट करना है. जैसे हम टैक्सी कर लेंगे ठीक. तो हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे. हम टैक्सी कर लेंगे. लेकिन जब ग्रामर की बात आती है तो ग्रामर में जो है वो नियम बदलता है ठीक. तो हम वो कहते हैं वी. क्या कहते हैं. वी आने होता है हम ठीक. वी विल हायर अ
वाक्य है तैयार हो जाओ, ठीक। तो तैयार के लिए गेट रेडी, बी रेडी, ठीक, आर ई ए डी वाई, रेडी यानी होता है तैयार होना। अभी मैं व्यस्त हूं तो आई एम बिजी, शब्द बनता है बी यू एस वाई, बिजी यानी व्यस्त होना। मैं नहा रहा हूं, आई एम टेकिंग अ बाथ, ठीक। आई आई का मतलब होता है मैं, एम ए एम 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 यानी होता है हूं, ठीक। अब ये या तो मेल या तो फीमेल, ये दोनों में आई और एम एज ए कॉमन वर्ड यानी कॉमन शब्द होता है, ठीक। क्या बात है, तो शब्द आता है वॉच, डब्ल्यू एच ए टी, वॉच का अर्थ होता है क्या, ठीक। क्या बात, व्हाट इज द मैटर, तुम कब फ्री हो जाओगे, तो व्हेन, हमें शब्द आया डब्ल्यू एच ई एन, व्हेन का अर्थ होता है कब, तो when will you become free? मैं आपको हंसा रहा हूं, I am making you laugh. तो L A U G H यानी laugh यानी हंसाना, ठीक है। ये सारे शब्दों को आपने सुना, इसकी स्पेलिंग देखी, समझी, आपको नोटबुक में बहुत अच्छे से लिखना है। होमवर्क दे रही हूँ, रीड, रीड का अर्थ होता है पढ़ना, आपको बता दें आर ई ए डी। आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो आप लाइन बनाएंगे लिखने की, देखिए जब आप लिखेंगे कैसे आपको लाइन बनानी है, कॉपी में आपकी लाइन बनी होगी, बनी है ना, ऐसे वन लाइन टू लाइन, सपोज ये कॉपी है या आपकी लाइन बनी है कॉपी में, ऐसे वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है, ये लाइन हो गई। आपको कैसे लिखना है, देखिए आर ई ए डी, रीड, रीड का अर्थ होता है पढ़ना, क्या होता है पढ़ना। फिर है दिस मैटर एंड प्रैक्टिस, अगला शब्द आया है, तो प्रैक्टिस कैसे लिखेंगे, पी आर ए सी ई आई सी ई, प्रैक्टिस मतलब होता है उसको बार बार लिखना। फिर also, also मतलब हमेशा, A N S O। मैं आपको कॉपी की लाइन में लिखते कैसे हैं आपको ये बताना चाहूँ। Second, write W R I T, write the correct the spellings, spellings मतलब होता है शुद्ध, सही शब्द, S P E L L I N G ऐसे लिखेंगे, देखिए spelling यानी सही शब्द, ठीक है, ये हो गया। इन योर कॉपी 10 times मतलब 10 बार आपको इन शब्दों को लिखना है, इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और ग्रामर को अच्छे से समझना है, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच।